तो सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा। कमांडो सर जब स्टेज पे होते हैं तो उनके तो विचार की क्या है जो बोल जाए कुछ कैसे नो महसूस किया आप लोगों ने। अच्छा मुझे एक चीज बताना आप लोग दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सर ने कुछ छोड़ा नहीं बाकी बताने के लिए। तो मेरा नाम कमांडो प्रदीप सिंह राठौड़ है, कोटा शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। और कहीं ना कहीं इस ऊपर वाले की इच्छा और ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि मुझे इतना दमदार एक दोस्त मिला जो भाई से भी बढ़कर है। दोस्तों एक ही बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी अगर कोई व्यक्ति बताने आता है तो एक बार पहले खुद को देख लेना है कि यस, उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी को जरूर देखना जो आप लोगों को दिखाने के लिए आया है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आपसे अति प्रेम है, वो चाहता है कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़े, इसलिए वो आपको दिखाने के लिए आए। यस या नो? यस या नो? मुझे पता नहीं है कि आज, अच्छा आज फर्स्ट टाइम कौन आया, एक बार हाथ खड़ा करना। फर्स्ट टाइम पुरानी एसोसिएट से कहूंगा कि एक बार जोरदार इन लोगों के लिए। चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि मेरे पास में भी इसी प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी आई थी AWPL नाम से। शायद हो सकता है कि मैंने भी यही सोच के इस बिजनेस के अंदर कदम रखा और आज नौबत यहां तक लेके आ चुके कमांडो सर कि मुझे यहां से नौकरी का त्याग करना पड़ा। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी थी। मुझे पता नहीं आप लोग इस अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझा आप लोगों ने, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन कम से कम आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा कि यार यहां पे करोड़ों की बात तो चल रही थी। यस या नो? यस या नो? यस सर। तो सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? यस सर। दिल से बताना आप लोग जिनको भी मानते हैं, आपको उसकी कसम है कि आज के पहले आप लोगों से किसी ने करोड़ों की बात की? लेकिन ना दोस्तों, तो जब यहां पे हमें उस चीज का मौका मिला है ना, तो जरूर उस चीज को समझना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आए तो एक बार खुद से भी पूछना चाहिए कि यार मैं खुद अपने आप को समझा या नहीं समझा। प्लान तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब मैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आया था दोस्तों, मुझे पहचान चुका था। मुझे बेरोजगार कितने लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, स्टूडेंट वगैरह, इनसे खड़ा करना दोस्तों, क्योंकि इस चीज को मैं छोड़ के आया हूं तो सकल से पता लग जाता है कि कौन है कौन नहीं। आप सब लोग चाहते हैं नौकरी? yes, सब लोग चाहते हैं नौकरी? yes, yes. 27 साल से मैं राजस्थान पुलिस में था दोस्तों, कोटा शहर के अंदर। जिस चीज की आप तलाश कर रहे हैं ना दोस्तों, उस चीज को त्याग करके, क्योंकि मुझे पता था नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है। आने वाले टाइम में जो भी है ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलेगी। अगर वहां मुझे मिल चुकी होती तो मुझे नौकरी से BRS लेके यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। यस या नो? यस या नो? तो दोस्तों सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें जो भी चीज मिली है ना उसको समझ के पार्टिसिपेट जब आप लोगों ने कर ही लिया है तो जो आप लोगों को यहाँ पे लेके आए तो एक बार जरूर उनसे सुने। और मैं बताता हूँ रीजन और विजन, मेरा इस बिजनेस के प्रति क्या रीजन विजन है। मुझे पता नहीं आप लोगों का क्या रीजन और विजन है, लेकिन मैं बताता हूँ इस बिजनेस के अंदर मेरा रीजन और विजन क्या था। क्योंकि दोस्तों सैलरी तो वहां भी मिल रही थी 80-90 हजार रुपए। यस या नो? यस या नो? यस सर। लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं था, क्योंकि मैं समझ चुका था इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद में कि यार अपन तो जो नौकरी कर रहे हैं ना, जबरदस्ती का गुब्बारा फुला के बैठे हुए हैं अपन लोग, क्योंकि नौकरी का मतलब होता है नौकर, नौकर कभी तरक्की करता नहीं और भूखे कभी मरता नहीं है। यस या नो? यस या नो? यस सर। बस यही सोच के मैं इस बिजनेस के अंदर आया था दोस्तों। और सिर्फ मैंने एक ही चीज को समझा, क्या हम अच्छी चीज के बारे में लोगों को बोल के बताते या नहीं बताते? yes, अच्छा डॉक्टर होता बोल के बताते नहीं बताते? yes, अच्छा टीचर होता बोल के बताते नहीं बताते? yes, आज तक मुझे बताओ आप लोगों को उसके बारे में बताने से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ हो तो बताओ। हुआ क्या? no, हुआ क्या? मैं बताता हूं यहां पे बोलने से क्या
क्या मिलता है दोस्तों, यहां पे बताने से वो सारी चीजें मिलती है दोस्तों। सिर्फ करना कुछ नहीं था, मेरे एक चीज समझ में आई कि जो तू समझ जाना, जो तू समझा वो किसी दूसरे को समझाना है, और जब उसके समझ में आती है उसको साथ में लेकर तुझे काम करना है। बस यही काम मैंने किया, ज्यादा कहीं को एक दिन तो बंद क्योंकि लगाया नहीं, इस चीज को समझ चुका था। अच्छी चीज के बारे में लोगों को बोल के बताना है, बोल के बताते भी बताते, बस यही रीजन रीजन था दोस्तों मेरा, अच्छी चीज के बारे में लोगों को बोल के बताया, बोल के बताते 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 सबके साथ में रहते हुए, पूरी टीम के साथ में रहते हुए आज आप सब लोगों की बदौलत यहां से अचीवमेंट भी किया, लेवल भी पार किया। और लेवल वगैरह तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं सर, लोगों को कमाया है यहां से। लोगों को कमाया दोस्तों यहां से, वरना पैसा तो मैं सन 94 से कमा रहा था ना सर, इतने वर्षों से कमा ही रहा था, लेकिन यहां पे आने के बाद मैं लोगों को कमाया दोस्तों। और यहां पे सिर्फ एक ही गणित चलता है, आप लोगों को कमाओ, पैसा अपना आप आएगा आप लोगों के पास। यस या नो? यस या नो? दोस्तों मेरे खुद के एक बेटा भी है, इस बिजनेस में मैं इसलिए भी आया क्योंकि मुझे पता था कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है। यस या नो? बताया होगा ना सर ने? यस। मुझे पता था कि मैं एक राजस्थान पुलिस के अंदर नौकरी करता हुआ वो कुछ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि दूंगा तो जब ना जब मेरे पास कुछ होगा, साला जो मिलता है लाइट के बिल में, पानी के बिल में, बच्चों की एजुकेशन थोड़ा बहुत बचता है, वो परचूने का सामान। यस या नो? यस या नो? मुझे पता था इस अपॉर्चुनिटी पे काम करूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करेगी। दोस्तों मैं भी इस बिजनेस के अंदर कर रहा हूँ और मेरा बेटा भी इस बिजनेस के अंदर कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल का है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आप लोगों के लिए एक बार जरूर अपने आप को मौका देना दोस्तों, मैंने अपने आप को मौका दिया इस उम्र में। आप जो खुशकिस्मत है कि आप लोगों को इतनी छोटी उम्र में मिला है ये बिजनेस, अगर आप लोगों की उम्र में अगर हमें ये मिला होता ना, प्रदीप राठौर यहाँ पे कार से नहीं आता बॉस, हेलीकॉप्टर से यहाँ पे आता। मैं खड़ा हूं आप सभी लोगों के सामने, एक बंदा खड़ा के मुझे ये बताए कि इसके अंदर माइनस पॉइंट कहां लगा, आपको बता सकते हैं? बता सकते हैं? आप लोग नहीं बता सकते क्योंकि आपने देखा है, लेकिन जब आप यहां से बाहर जाएंगे ना और जब लोगों से बात करेंगे तो वो लोग आपको ज्ञान देंगे ऐसा नहीं होता। उसने देखा नहीं है प्लान? नहीं देखा प्लान, लेकिन फिर भी वो आपको बताएगा ऐसा नहीं होता। कंपनियां भाग जाती है क्योंकि उसके अगले बड़े जो भिन्नता था नाना मांगा वगैरह, उन्होंने 2-4 कंपनियां खोल रखी थी, इसलिए उसको पता है पूरी कंपनियों का। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों समय कम होने की वजह से बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन समय ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी में आ ही चुके हैं, देख ही चुके हैं, एक बार अपने खुद को मौका जरूर देना दोस्तों। इतना बड़ा काम होने वाला है आने वाले टाइम में कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही हमें बहुत बड़ा काम करना है। यस या नो? यस या नो? तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, थैंक यू विश्व।